और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको वो मिल जाता है एंड उसमें डिलीवरी चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ अनुज सिंह, सेकंड एमबीबीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। सो गाइस, हो सकता है आपको आवाज़ मेरी थोड़ी सी अलग लग रही हो, सो अगर ऐसा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है एंड देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दिस वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया और जिसने कर लिया है उसको थैंक यू सो मच। एंड गाइस, आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कि यहाँ का जो कैंटीन है, यहाँ की जो मेस है, यहाँ पर जो शॉप्स हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा बहुत आपको अगर कभी प्रिंट आउट करवाना होता है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं कवर करूँगा कैंटीन। तो कैंटीन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको मोमोज, चाउमीन, बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें तो मिली जाती हैं, बाकी आपको पैक चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। एंड वहाँ पर आपको खाने के लिए भी यू नो अलग से लाइक पराठे, समोसे, ब्रेड पकौड़े एंड अदर्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। एंड गाइज, उसके बाद मैं अगर बात करूँ मेस, तो मेस का खाना तो मतलब हॉस्टल जैसा ही होता है, जैसा हॉस्टल में खाना मिलता है उस टाइप से, बट फिर भी ऑन एन एवरेज मैं कहूँ तो ठीक रहता है, खाने लायक होता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, लेकिन ठीक है, खाना पड़ता है, क्योंकि आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। बाकी दिन में आपको 3 बार यू नो सुबह जैसे कि नाश्ता मिलता है, दोपहर में लंच एंड रात में आपको डिनर मिलता है। एंड रोज़ लगभग डिफरेंट होता है कुछ ना कुछ, लाइक मॉर्निंग की बात करें तो कभी आपको पोहा मिलता है, कभी आपको पराठा मिलता है प्याज का, आलू का, पनीर का, इस तरीके से, या फिर आपको ऑमलेट भी मिलता है कभी कभी, एंड जो लोग ऑमलेट नहीं खाते उनके लिए सैंडविच होता है, एंड एक दिन आपका चना एंड हलवा भी होता है। तो इस तरीके से आपका नाश्ता होता है। एंड आफ्टरनून की बात करें तो आपको जो लंच मिलता है वहाँ पर दाल मोस्टली होती है, बाकी आपको रोटी, चावल, सैलेड एंड अचार वगैरह इस तरह से चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं। एंड कभी कभी आपको कढ़ी भी मिलती है, राजमा एंड कोफ्ता, तो इस तरह की चीज़ें आपको लंच पे मिल जाती हैं। उसके बाद बात करें अगर डिनर की, तो डिनर में आपको कभी कभी दाल भी मिलती है, आपको छोले भटूरे मिलते हैं, पूड़ी, सब्ज़ी, ये सब मिलता है। एंड वेडनेसडे को आपको नॉनवेज मिलता है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए पनीर होता है। एंड बाकी आपको चाप भी मिलता है, लाइक संडे को जो लोग अंडा खाते हैं उनके लिए एग करी होती है, और जो लोग एग करी नहीं खाते हैं उनके लिए चाप होती है। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बताई आपको, पूरा मैंने शेड्यूल जो होता है वो तो नहीं बताया है, बट इन एन अप्रॉक्सीमेशन आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। टेस्ट की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एवरेज होता है, ना अच्छा ना ख़राब, मतलब खाने लायक होता है। उसके बाद मैं अगर बात करूं ग्रॉसरी की, तो ग्रॉसरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं डेली यूज़ की, वो आप गेट पे ही एक शॉप है वहाँ से ले सकते हो, एंड उसके बगल में ही मेडिकल स्टोर, तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रिंट आउट भी हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। एंड पहले के कंपैरिजन में चीज़ें बेटर हो रही हैं, बेटर हुई हैं। एंड बाकी जैसे कि आप में से कुछ लोग पूछते हो कि यहाँ पर जोमेटो, स्विगी ये सब आता है कि नहीं, तो जोमेटो तो नहीं आता है यहाँ पर कॉलेज में, बस स्विगी आ जाता है, वहाँ से जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उससे कनेक्ट करके आप ले सकते हैं चीज़ें। एंड बाकी फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर लैपिनोस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ यू नो डिनर के लिए, लंच के लिए, फिर इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पॉकेट मॉल ऐप। तो पॉकेट मॉल ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है, वहाँ पर यू नो जो छोटे बड़े हर तरह के रेस्टोरेंट्स उससे कनेक्टेड हैं, तो उससे आप खाना मंगा सकते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे आपको वो मिल जाता है एंड उसमें डिलीवरी चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ता है। सो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर किया, ओवरऑल आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर रेस्टोरेंट कम है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको, बट ठीक है, कहीं ना कहीं आपका काम चल जाता है। बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत आना, जो चीज़ें हैं वो मैंने तुम्हें बता दी हैं, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर कल को आओ तुम्हें लगे कि यार यहाँ पर तो ऐसा है एंड हमें कुछ और बताया गया। सो डैट्स ऑल, आई थिंक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।